और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। दिल्ली पुलिस की एक दर्जन टीमें विभव कुमार की तलाश कर रही हैं। स्पेशल स्टाफ के अलावा क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस यूनिट की टीमें भी विभव कुमार की तलाश कर रही हैं। स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट को लेकर दिल्ली पुलिस को 7 पेज की शिकायत की है। इस शिकायत में स्वाति मालीवाल ने बताया है कि कैसे विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। जिस वक्त स्वाति के साथ मारपीट हुई उस वक्त अरविंद केजरीवाल भी घर के अंदर ही मौजूद थे, इसलिए दिल्ली पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है। साथ ही पुलिस सीएम आवास में मौजूद स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के बयान भी दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी की भी जांच करेगी जो सीएम आवास के अंदर लगे हैं। स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद से अरविंद केजरीवाल ने खामोशी अख्तियार कर ली है। वो बार बार सवालों से कन्नी काट रहे हैं, लेकिन उन्हें पुलिस को सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने साफ साफ कहा है कि जिस वक्त मारपीट हुई उस वक्त केजरीवाल घर पर ही थे। केजरीवाल के पीए विभव कुमार की पुलिस को तलाश। स्वाति मालीवाल से मारपीट, केजरीवाल ने क्यों साधी चुप्पी? स्वाति ने की शिकायत, दिल्ली पुलिस निकालेगी सारा सच। आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का मेडिकल दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में हो चुका है। स्वाति मालीवाल ने 7 पेज की शिकायत दी है, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की तलाश शुरू कर दी है। स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में जो लिखा है वो सेहरा देने वाला है। सूत्रों के मुताबिक स्वाति ने अपनी शिकायत में लिखा है, 13 मई को सुबह 9:10 पर मैं सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंची। सीएम केजरीवाल घर पर मौजूद थे, मैं ड्राइंग रूम तक गई और वहां इंतजार कर रही थी, तभी विभव आया और गालियां देने लगा। विभव ने बिना उकसावे के कई थप्पड़ मारे, मैंने शोर मचाया, कहा मुझे छोड़ दो, जाने दो। विभव लगातार मारता रहा और गंदी गंदी गालियां देता रहा। विभव धमकियां देता रहा कि देख लेंगे, निपटा देंगे। विभव ने छाती पर मारा, चेहरे पर मारा, पेट पर मारा, शरीर के निचले हिस्से पर मारा। मैंने कहा बहुत पेन में हूं, मुझे छोड़ दो। मैं भाग कर आई, बाहर आकर पुलिस को फोन किया। पुलिस को 7 पेज की शिकायत देने के बाद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया। इस पोस्ट में स्वाति ने लिखा कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है, मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं, जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने चरित्र हरण करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं में केस दर्ज किया है वो भी देख लीजिए। पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, छेड़छाड़ करना, स्त्री की मर्यादा को ठेस पहुंचाना, 506 आपराधिक धमकी देना, 509 महिला का अपमान करने के उद्देश्य से कुछ कहना, इशारे या कार्य करना, 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। पहले शिकायत करी स्वाति मालीवाल ने तकरीबन 7-7.5 पन्नों की, और उसमें पूरा का पूरा बताया कि किस तरीके से 13 तारीख को जब वो सुबह 9:10 पे सीएम आवास पहुंची, ड्राइंग रूम में उनका ये आरोप है कि विभव ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ मारपीट की, और ये भी बताया कि उनके पर्सनल पार्ट्स पर वार किए गए। इसी वजह से पुलिस ने पहले उनकी शिकायत को समझा, लीगल एडवाइस दी और उसके बाद एफआईआर दर्ज की, जिसमें 354 जो कि छेड़खानी का मुकदमा है और इस सेक्शन है, और इसके अंदर जमानत नहीं है, आपको डायरेक्ट थाने से जमानत नहीं मिलेगी, कोर्ट से ही आपको जमानत मिल सकती है, और वो भी तब जब जो विक्टिम है उसका कोर्ट के सामने, जज के सामने 164 का बयान हो जाए। गुरुवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ACP प्रमोद कुशवाहा और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल DCP अंजथिया चिपला 4.5 घंटे तक स्वाति मालीवाल के घर पर रहे। इस दौरान मालीवाल ने अपना स्टेटमेंट दिया। मालीवाल की शिकायत मिलने के बाद पुलिस उन्हें मेडिकल के लिए एम्स लेकर गई। साथ ही पुलिस के स्पेशल यूनिट, क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस की टीम विभव कुमार की तलाश में जुट गई है।
विभव कुमार का घर दिल्ली के चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर है। पुलिस अब मारपीट के मुख्य आरोपी केजरीवाल के पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी करेगी। सीएम आवास में सीसीटीवी और दूसरी चीजों की जांच करेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर मौजूद स्टाफ से पूछताछ की जाएगी। सीएम आवास पर मौजूद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा स्टाफ से पूछताछ होगी। स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में अरविंद केजरीवाल पर तो आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन ये जरूर लिखा है कि मारपीट के वक्त केजरीवाल घर के अंदर मौजूद थे, इसलिए दिल्ली पुलिस इस मामले में अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ कर सकती है। अब इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस, क्योंकि सीएम आवास के अंदर वहां पर कौन कौन मौजूद था, सीसीटीवी चाहिए दिल्ली पुलिस को, साथ ही एक अंदर कहां पर यह घटना हुई थी वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंचेगी, और जो जो लोग, चाहे वो सिक्योरिटी के लोग हो, अरविंद केजरीवाल को पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई है, उन सबके बयान दर्ज करेगी जो जो ड्यूटी पर मौजूद थे। सीएम आवास में कौन कौन मौजूद थे उन सबके बयान दर्ज होंगे, जिसमें खुद सीएम अरविंद केजरीवाल भी होंगे कि बेशक उनकी मुलाकात नहीं हुई, उन्हें नहीं मिलने दिया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल घर के अंदर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस को केजरीवाल के पीए विभव कुमार की तलाश है, लेकिन कल तक वो केजरीवाल के साथ ही थे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मीडिया से मुलाकात के दौरान केजरीवाल कल लखनऊ में थे, विभव कुमार वहां केजरीवाल के साथ थे। हालांकि केजरीवाल से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली और माइक अखिलेश की तरफ बढ़ा दिया। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। हाँ बोलो, बोल रहे बता। हाँ मैं बोल रहा। केजरीवाल की खामोशी बता रही है कि जो कुछ भी हुआ वो बड़ी मुसीबत बनने वाला है। आज इस पूरे मामले में सबकी निगाहें दिल्ली पुलिस के एक्शन पर लगी हैं।